जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। और मकर संक्रांति वाले दिन स्नान का, दान का और कुछ नियम लेने का बहुत ही महत्व होता है। और आप इस दिन से कुछ कथा कहानियों का भी नियम ले सकते हैं। तो आप मकर संक्रांति वाले दिन से किसी भी कहानी का नियम ले सकते हैं और आपको उसे एक साल तक सुनना होगा और उसके बाद उसका उद्यापन किया जाता है। ऑलरेडी चैनल पे मैंने बहुत सारी कथा कहानी की वीडियोस डाल रखी हैं, नियम की, दान धर्म की, दीप दान आप कैसे कर सकते हैं, आप स्नान दान कैसे कर सकते हैं, मकर संक्रांति को सूर्य भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं, उन्हें अर्घ कैसे दे सकते हैं। और जब आप सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, रोज उन्हें अर्घ देते हैं, तो आप उस लोटे में क्या डाल सकते हैं जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके सभी वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ कोपा बाई की कथा। कि आप इसका नियम मकर संक्रांति वाले दिन से उठाएंगे। पहले आप मकर संक्रांति वाले दिन सुबह स्नान वगैरह कर लीजिएगा, दान वगैरह कर लीजिएगा, उसके बाद आपने जो भी नियम पकड़ना है वो आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही कोई नियम पकड़ रखा है पिछले साल का, तो आप पहले उसका उद्यापन कर दीजिएगा, उसके बाद आप नया नियम पकड़िएगा। जब आप पहले दिन नियम पकड़ते हैं, उस दिन तो आपको भगवान गणपति को विराजमान करवाना है अपने सामने, या आप अपने घर के मंदिर में भी आगे बैठ के संकल्प ले सकते हैं। या देखिए, अगर आप कोई कथा कहानी शुरू कर रहे हैं तो आप इस तरीके से गणपति भगवान को विराजमान करा लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, हम एक लोटा जल ले लेंगे। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हम भगवान गणपति को चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम कुछ अक्षत या तिल भगवान पे चढ़ा देंगे इस तरीके से। उसके बाद देखिए, हम अपने लोटे को भी इस तरीके से जो है तिलक कर लेंगे। और उसके बाद आप अपने भी तिलक कर लीजिएगा। तो हाथ में कुछ दाने ले लेने हैं और अब हम कथा शुरू कर लेते हैं। देखिए, अगर आप रोज सुन सकते हैं किसी और से कथा तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी से सुन लीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी से कथा नहीं सुन पाते हैं रोज, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी अपनी कथा कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है कि जब हमें पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं, उस समय पर हम अपनी कथा का नियम कैसे उठाएं? तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से जो है ना कथा किसी और से सुन लीजिए। मतलब आप कथा ना तो पढ़िएगा उस दिन, आप किताब वगैरह को हाथ मत लगाइएगा, आप कथा किसी और से सुन सकते हैं। तो देखिए, साइड में बैठ जाइएगा, आप कथा सुन लीजिएगा, और जो कथा सुनने का जल होगा वो आपके नाम का कोई और दे देगा सूर्य भगवान को। तो इस तरीके से आप अपनी कथा का नियम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम कथा को शुरू कर लेते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसकी शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। गांव के सभी लोगों से भी कह दिया कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो, मैं सभी की गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वहीं खाकर अपना गुजारा कर लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है, बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है,
तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराए पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा ले गया, अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आएं। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ने चला गया। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में वापस भेज देता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय हो। उसके बाद जो ये हमने दाने लिए हैं कथा सुनी के, ये हम अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को। तो देखिए इस तरीके से इस कथा सुनी के दानों से आप अर्घ दे दीजिएगा। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सियाराम।